असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता की ये पंक्तियां यही कहती हैं कि सफलता भी उन्हीं शूरवीरों के कदम चूमती है जो असफलताओं को गले लगाने का जिगर रखते हैं। ये उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के दृढ़ निश्चय और अथक मेहनत का ही नतीजा है जो आज डोबरा चांठी का ये पुल टिहरी जलाशय के आंचल पर लहरा रहा है। इतना मनमोहक कि नजर ही ना हटे और इतना मजबूत कि पर्वत राज के हौसले को भी चुनौती दे दे। इस सपने को साकार करने से पहले लोक निर्माण विभाग और उत्तराखंड सरकार को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पर्वतीय अंचल को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो सबसे बड़ी चुनौती थी इस राज्य को बिजली, पानी, सड़क, संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाना। मगर आत्मनिर्भरता की ये मंजिल त्याग के रास्ते पर चलकर ही मिलनी थी और ऐसा ही एक त्याग करना पड़ा प्रताप नगर और लंबगांव के लोगों को। लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर में फैली टिहरी झील जैसे जैसे गहराती गई, कई रास्ते, कई पुल इसकी भेंट चढ़ते गए। जिस समय ये टिहरी बांध का निर्माण हुआ था, उसके निर्माण जैसे ही समाप्त हुआ, जल स्तर नदी में काफ़ी ऊंचा हो गया, उसकी वजह से हमारा प्रताप नगर का क्षेत्र टिहरी मुख्यालय से कट गया था। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई थी वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए कि उनको करीबन 150 किलोमीटर की दूरी तय करके मुख्यालय पर आना पड़ता था, जो कि अपने आप में एक काफ़ी जटिल काम था। विभिन्न मोटर मार्गों का उपयोग करके लोग आते थे और लगभग 5 घंटे मुख्यालय में आने में लगते थे। तो इसके लिए एक सोचा गया राज्य सरकार के द्वारा कि भाई यहाँ पे एक बड़ा सेतु बनाया जाए बांध के ऊपर, ताकि लोगों का आवागमन कम दूरी में हो सके। पुल बनाने का फैसला तो ले लिया गया, काम भी शुरू हो गया, मगर मंजिल अभी भी दूर थी। इस क्षेत्र की आबादी को न्यूनतम दूरी का यातायात देने के लिए इस पुल का प्रावधान 2006 में किया गया। IIT रुड़की की ड्राइंग पे ये पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन कालांतर में डिजाइन की कमियों और तकनीकी दिक्कतों के कारण इस पुल का काम बंद करना पड़ा। डोबरा चांठी पुल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी और सरकार और PWD विभाग इसे लेकर कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते थे, लिहाजा एक बड़ा फैसला लिया गया। इस पे दोबारा इसको अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी से बनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी की बिडिंग में योशिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन साउथ कोरिया और उनके जॉइंट वेंचर BKS इंफ्राटेक मैनेजमेंट नई दिल्ली ने इस पे काम शुरू किया। योशिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने पुल के डिजाइन से पहले पुल का फुल मॉडल विंड टनल टेस्ट करवाया गया और विंड टनल टेस्ट में पास होने के बाद इसका डिजाइन फाइनल हुआ और 2015 में इस काम की फिर से उत्तराखंड सरकार ने छूटे हुए काम को पूरा कराने की स्वीकृति दी। 2006 में स्वीकृत हुआ था, कालांतर में कई जटिलताएं इसमें आई बीच में और इसके एस्टीमेट को रिवाइज करने के बाद इसको 2015 में पुनः स्वीकृति दी गई।
और उसके बाद विधिवत रूप से इसका निर्माण शुरू किया गया। इसमें लोक निर्माण विभाग, राज्य सरकार एवं साउथ कोरिया के इंजीनियर्स का काफी इसमें योगदान रहा। लोक निर्माण विभाग अब तय कर चुका था कि डोबरा चांठी पुल तो बनकर रहेगा, मगर इसमें अब विश्व इंजीनियरिंग के सख्त मानकों को आधार बनाया जाएगा और इसके लिए अपनाई गई एक चरणबद्ध विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रक्रिया। डोबरा चांठी पुल पर पूर्व निर्मित टावरों को योशिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया द्वारा परीक्षण करते हुए संपूर्ण भार सहने योग्य बनाया गया। पुल को जोड़ते समय 2200 टन वजन से 58 मीटर ऊंचे पुल के टावरों का नदी की तरफ झुकाव रोकना जरूरी था। टावरों का नदी की तरफ झुकाव रोकने के लिए 100 टन क्षमता के 96 जैक की मदद से कई बार पीछे खींचा गया। ठेकेदार के इंजीनियर बीजिंग डीएनवाई कंपनी चीन के इंजीनियरों ने पुराने टावरों के बेस को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। कोरिया की कंपनी ने चीन के इंजीनियरों के सुझाव को मानते हुए उसकी जांच की और टावर के बेस को और मजबूत बनाने की कार्य योजना बनाई। 58 मीटर ऊंचे टावरों पर 24 नंबर वायर रोप फिक्स किए गए और उन्हें लॉक करने के लिए खास तरह के 4 सैडल भी लगाए गए। 2200 टन वजनी पुल को जोड़ने से पहले 24 लॉक्ड कॉयल वायर रोप टावरों के ऊपर फिक्स किए गए। हर लॉक्ड कॉयल वायर रोप का वजन 20 टन और लंबाई 702 मीटर थी। इतने वजनी लॉक्ड कॉयल वायर रोप को बिना किसी नुकसान के झील के ऊपर से होते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना किसी चैलेंज से कम न था। इस काम के लिए कैटवॉक के ऊपर रोलर, ट्रिपल पुली, गैलो फ्रेम और विभिन्न पुलियों का प्रयोग किया गया। इन खास पुलियों को स्थापित करते हुए खास तरह के हॉलेज सिस्टम को लगाया गया। हॉलेज सिस्टम की मदद से इन भारी भरकम वायर्स को डोबरा एंकर ब्लॉक से टावर टॉप सैडल से ले जाकर दूसरे एंकर ब्लॉक तक फिक्स किया गया। इसी जटिल प्रक्रिया को अपनाते हुए 24 वायर रोप बिछाए गए और फिर 3 लेयर के क्लैंप की मदद से रोप की क्लैंपिंग की गई। रोप की क्लैंपिंग के बाद उनसे 5-5 मीटर की दूरी पर वायर रोप सस्पेंडरों को सावधानी पूर्वक स्थापित किया गया। सस्पेंडरों के फिक्स हो जाने के बाद पुल के औसतन 5 मीटर लंबाई के सेगमेंट को अलग से जोड़ते हुए हॉलेज सिस्टम से निर्धारित स्थान तक पहुंचाया गया। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कुल 45 मीटर की लंबाई का पुल जोड़ दिया गया। तभी एक बाधा सामने आई। 23 अगस्त 2018 को चांठी की ओर के कुछ सस्पेंडरों की जिंक सॉकेटिंग स्लिप होने की घटना सामने आई, जिससे पुल जोड़ने का काम रोक देना पड़ा। वायर रोप और सॉकेट देश की प्रतिष्ठित रोप निर्माता कंपनी उषा मार्टिन इंडिया ने बनाए थे, इसीलिए इसकी जांच उस कंपनी के प्रतिनिधियों, विभागीय अभियंताओं और कंसल्टेंट्स ने की। सस्पेंडर, वायर रोप व सॉकेटिंग के कुछ सैंपल की फिर से रांची फैक्ट्री में लोड टेस्टिंग की गई। गुणवत्ता में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पहले से तैयार 891 सस्पेंडरों को विभाग की कड़ी देखरेख में निर्माता कंपनी द्वारा पुल निर्माण स्थल पर बनाए जाने का फैसला लिया गया। हर सस्पेंडर पर 20.41 टन तक प्रूफ लोड टेस्टिंग का काम किया गया ताकि पुल जोड़ते समय क्वालिटी में कोई कमी न छूट जाए। क्योंकि 25 mm वायर रोप की कुछ सॉकेटिंग में स्लिपेज आ चुका था, इसलिए पुल के मुख्य 66 मिलीमीटर व्यास के सॉकेटिंग की जांच भी जरूरी मानी गई। फिर 66 मिलीमीटर वायर रोप सॉकेटिंग और लोड टेस्टिंग कराने का निश्चय लिया गया। कार्यस्थल पर मौजूद 2 नंबर सैंपल लोड टेस्ट के लिए रांची भेजे गए और इसका जिम्मा विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर अयाज अहमद को सौंपा गया। इस टेस्ट में 306 टन लोड तक वायर रोप और सॉकेटिंग को सुरक्षित पाया गया। ये टेस्ट जैक्स की मदद से कार्यस्थल पर 6 सॉकेटों के सैंपल पर 206 टन लोड तक भी किया गया। जब यह सुनिश्चित हो गया कि पुल के मुख्य वायर रोप व सस्पेंडरों में कोई कमी नहीं रह गई व लोड टेस्टिंग से सॉकेटिंग हर तरह से सुरक्षित है, तब पुल की लॉन्चिंग का काम शुरू किया गया।
मई 2019 में पुल की लॉन्चिंग का काम आरंभ हुआ और 9 सितंबर 2019 को ये कार्य पूर्ण किया गया। पुल को उसकी फाइनल पोजीशन में लाए जाने तक अधिकतम 19 बार टावरों की स्ट्रेचिंग का काम किया गया। पुल की सफलता पूर्वक लॉन्चिंग करने के बाद कई चरणों में टर्न बकल की एडजस्टमेंट की गई। टर्न बकल एडजस्टमेंट से पुल की प्रोफाइल दुरुस्त करने के बाद चरणबद्ध रूप से हिंज कनेक्शन को HSFG नट बोल्टों से बदला गया। इस चरणबद्ध प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कर्व, विंड फेयरिंग, डेक प्लेटों की पूर्ण लंबाई में वेल्डिंग, रेलिंग आदि लगाते हुए पुल का इरेक्शन वर्क सफलतापूर्वक किया गया। कंसल्टेंट की सलाह पर सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष 2009-2010 में निर्मित एंकर ब्लॉकों का पूर्ण परीक्षण किया गया। एंकर ब्लॉकों का NDT परीक्षण, UPV टेस्ट, क्रैक डेप्थ RCC कवर व रिवाइंड हैमर परीक्षण देश की प्रतिष्ठित संस्था CRRI से कराया गया। आगे भी इस संस्था के सुझाव पर अमल किया जाएगा। पुल के बेहतर रखरखाव के लिए और डेक, वायर रोप व क्लैंप के निरीक्षण के लिए आवश्यक वॉकवे बनाए गए हैं। कोरियाई इंजीनियरों ने विंड इफेक्ट को समायोजित करने के लिए 440 मीटर लंबे इस स्टील सेतु पर विशिष्ट इंतजाम किए हैं। इस स्टील पुल पर बेयरिंग अपलोडिंग इफेक्ट रोकने हेतु 4 लिंक शू और क्षैतिज मूवमेंट को सहने के लिए 8 विंड शू स्थापित किए गए हैं। तापमान और भार से पुल पर आने वाले एक्सपेंशन को 960 मिलीमीटर तक एडजस्ट करने के लिए नई तकनीकी के मॉड्यूलर एक्सपेंशन जॉइंट स्थापित किए गए हैं। पुल पर मास्टिक वेयरिंग कोट, पेंट का कार्य और IRC-18R लोडिंग की टेस्टिंग हुई है। इसमें विंड केबल का इस्तेमाल न कर विंड फेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब तेज हवा चले तो ब्रिज पर कोई दबाव न आए। इस पुल में पहली बार विंड एंकर और विंड रोप को यूज नहीं किया गया है। रिवर्स एंकरेज और रिवर्स रोप को यूज नहीं किया गया है। विंड का इफेक्ट रोकने के लिए नई तकनीकी प्रयोग की गई हैं। लिंक शू, विंड फेयरिंग और मॉडुलर एक्सपेंशन जॉइंट इसका प्रयोग किया गया है ताकि ये पुल किसी विंड इफेक्ट को आसानी से झेल सके। डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य जॉइंट वेंचर PNR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, VK गुप्ता एंड एसोसिएट्स पंचकुला और MVZ यूक्रेन द्वारा किया गया है। डोबरा चांठी हैवी व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज के चुनौतीपूर्ण फैब्रिकेशन, लॉन्चिंग सहित अवशेष कार्यों को हमारे जॉइंट वेंचर PNR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड VKG और MVZ यूक्रेन द्वारा कराया गया है। जॉइंट वेंचर में हम PNR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड लीड पार्टनर हैं। पुल निर्माण हेतु हमारे द्वारा इंटरनेशनल ब्रिज इंजीनियर डेनवाई चाइना और वीकॉन ताइवान को एंगेज किया गया था। फैब्रिकेशन का कार्य हमने नवीनतम तकनीकी मशीनों द्वारा हमारी रोपड़ वर्कशॉप में किया। हमारे इंजीनियरों की टीम ने दिन रात मेहनत करके सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हुए इस ब्रिज का निर्माण कार्य सफलतापूर्ण पूरा किया। इन कड़े और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मानकों पर निर्मित डोबरा चांठी का ये पुल अपनी श्रेणी में देश का सबसे लंबा झूला पुल है। टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर क्षेत्र को जोड़ने वाले डोबरा चांठी पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है। इसमें सस्पेंशन ब्रिज 440 मीटर लंबा है, जबकि 260 मीटर RCC सेतु डोबरा साइड और 25 मीटर स्टील गार्डर चांठी की तरफ है। पुल की कुल चौड़ाई 7 मीटर है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर है, जबकि फुटपाथ 0.75 मीटर चौड़ा है। पुल की लोडिंग सीमित होने के कारण 15.50 टन से अधिक भार के वाहनों का यातायात नियंत्रित करने व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम के तहत 10 टन एक्सल लोड से ज्यादा भारी वाहनों की चेकिंग के लिए दोनों ही तरफ वे इन मोशन, वे ब्रिज, बूम बैरियर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिज पर यातायात को निर्देश देने के लिए साउंड सिस्टम, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं।
पुल की लाइटिंग को वर्ल्ड क्लास बनाते हुए इस पर आधुनिकतम फसाड लाइट्स लगाई गई हैं। आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखने के लिए पुल पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए गए हैं। पुल तक पहुंचने वाले दोनों तरफ के रास्तों का डामरीकरण भी किया जा चुका है। दक्षिण कोरियाई इंजीनियरों ने इस पुल की फाइनल लोड टेस्टिंग की। लोड टेस्टिंग में 15.5 टन के 14 व्हीकल को इस पुल पर से गुजारकर दबाव की जांच की गई। जांच में सारे नतीजे सकारात्मक रहे और पुल को हर यातायात के लिए तैयार पाया गया। सही है, इस पुल को बनाने में सरकार और लोक निर्माण विभाग को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, मगर आज ये जिस स्वरूप में टिहरी जलाशय के ऊपर उभर कर आया है वो किसी चमत्कार के साक्षात होने से कम नहीं। डोबरा चाटी पुल एक ऐसा पुल है जो कि न केवल इंजीनियरिंग मार्वल है, पर एट द सेम टाइम ये वहाँ के क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला तथ्य है। डोबरा का पूरा प्रताप नगर जो कि कट गया था वो अब क्षेत्र ओपन हो गया, इससे पर्यटन की असीम संभावना, जैसा मैंने बताया कि आर्किटेक्चर इसका ऐसा है कि और साथ में टेहरी लेक का लेक के ऊपर बना हुआ है, तो ये पर्यटन की असीम संभावनाएं खोलता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कई तरह के उपलब्ध कराएगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अगर कहें कि एक महत्वपूर्ण बात हो। पुल चालू हो जाने के बाद टिहरी जिले के प्रतापनगर धार मंडल क्षेत्र और उत्तरकाशी जिले की 1,00,000 से ज्यादा आबादी को इसका लाभ मिलेगा। ऋषिकेश से लंबगांव के लिए भारी वाहनों की दूरी में 95 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से लंबगांव की दूरी 49 किलोमीटर तक घट जाएगी। वाकई डोबरा चांठी पुल की वजह से लोगों के चेहरों पर खोई मुस्कान वापस लौट आई है। सबको उम्मीद जगी है कि ये पुल एक बार फिर से तीज त्योहार साथ मनाने का मौका देगा, पिछड़ों को मिलाएगा, बिखरे रिश्तों को जोड़ेगा। प्रताप नगर के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जो ये झील बन जाने के कारण जो काला पानी हमारे लिए हो गया था, जो सफर लगभग 150 किलोमीटर हो गया था, किराया 200-250 रुपए मुख्यालय जाने के लिए होता था, आज वो किराया मात्र 40-50 रुपए किराया हो जाएगा। आज हमारे सपनों का जो पुल है हमें सौगात के रूप में सरकार के द्वारा हमें दिया जाएगा, हम उसका धन्यवाद भी करते हैं और तहे दिल से आने वाले पर्यटकों को भी निमंत्रण देते हैं टिहरी झील के लिए, इस पुल के लिए। टिहरी झील का 45 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल पहले ही टूरिस्टों को लुभा रहा था। वाटर स्पोर्ट के प्रेमी यहाँ खींचे चले आ रहे थे, मगर अब इस पुल के बन जाने से तो ये दुनिया भर के पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा हो गया है। रही बात बॉलीवुड की, तो उसको भी यूरोप का एक अच्छा और सुंदर विकल्प उपलब्ध हो गया है। और चाहे आप दिन में देखें चाहे रात में देखें, चूंकि लोकेशन ऐसा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए लगातार प्रयासरत है। और मैं ये कहूँगा कि ये डोबरा चाटी पुल जो कि टिहरी लेक पे स्थित है, ये एक ऐसा शूटिंग स्थल लोकेशन उपलब्ध कराता है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को काफ़ी आकर्षित करेगा। जाहिर है इस पुल से उत्तराखंड राज्य के राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही ये बॉलीवुड के उन निर्माताओं को भी अपनी ओर खींच रहा है जो अब तक बॉलीवुड से अछूती रही इस जन्नत को सबसे पहले अपने फिल्मी कैमरे में कैद कर लेने के इच्छुक हैं। न केवल फिल्म इंडस्ट्री, मैं कह रहा हूँ कि पर्यटन की सारी गतिविधियों के लिए वहाँ पर स्कोप है, और चाहे वो साइकिलिंग हो, रॉक क्लाइंबिंग हो, बोटिंग हो, ये सारे तरह की सुविधाओं को वहाँ उपलब्ध कराएगा। ये पुल अपने आप में जीवन के कितने रंग समेटे हुए है, इसका एहसास तब होता है जब सूर्यदेव पर्वतराज की गोद में छुप जाते हैं। तब पर्वतों के आंचल तले टिहरी जलाशय की सुरमई शाम में ये पुल अपने असंख्य रंगों को भरना शुरू कर देता है। डेक
कंप्लीट होने के साथ साथ ही विद्युतीकरण के कार्यों के प्रारंभ करने की भी हमारे विद्युत यांत्रिक विंग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस कार्य में विद्युतीकरण के कार्य में नवीनतम फसाद लाइटिंग डायनेमिक लाइटिंग का प्रयोग किया गया है। डायनेमिक लाइट में हमारे पास इस RGBW डायनेमिक लाइटिंग में 16 मिलियन कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो हमारी राज्य सरकार को टिहरी को एक पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है, उनके द्वारा बहुत प्रयास इसके लिए किया जा रहा है, सरकार द्वारा अपनी भरपूर योजनाएं इसके लिए लाई जा रही हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा भी फसाद और डायनेमिक लाइट से इसको खूबसूरती को बढ़ाने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है, जिससे कि जो भी टूरिस्ट आएगा तो उसकी तरफ आकर्षित होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सोचिए एक ऐसा पुल जो अवसर के हिसाब से अपना मूड बदल लेने में सक्षम हो। जी हाँ, सुनने में भले ही असंभव लगे मगर डोबरा चांठी का ये पुल अवसरों त्योहारों के रंगों में अपने रंग घोल देना भी बखूबी जानता है। फेस्टिवल के हिसाब से इसमें थीम सेलेक्ट की जा सकती है। नेशनल फेस्टिवल के लिए हमारे द्वारा ट्राई कलर का की थीम रखी गई है, और भी जैसे उत्तराखंड का पर्व है, हरेला पर्व है, तो उसके लिए हम हरा ग्रीन कलर इसको दिया जा सकता है। वुमेंस डे पे है तो हम इसे पिंक कलर दे सकते हैं, लेबर डे पर रेड कलर दे सकते हैं, कई थीम्स इसमें हमारे द्वारा ऐड की जा सकती हैं। नमस्कार, मैं आरती खेत्रपाल आप सभी देशवासियों के साथ एक ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट को विटनेस करने जा रही हूं, जो बना है PWD उत्तराखंड और स्टेट गवर्नमेंट के इनडिस्पेंसेबल हार्डवर्क से। एंड नॉट टू मिस टिहरी गांव के रेजिडेंट्स, जिन्होंने लिटरली अपना घर दे दिया इस ब्रिज को बनाने में। अब वो घड़ी आ गई है जब ये ब्रिज अपनी बाहें फैलाए आप सबका स्वागत कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के डोमरा चांटी हैवी व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज की।